कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और अब सूरज जी का सेवानिवृत्त कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ है। तो बने रहे दोस्तों, काफ़ी आप सूरज जी पत्र प्रेस वार्ता में कॉन्फ्रेंस में चर्चा करने वाले हैं। साथ में आप देखें कि जस्सू भाई, योग बोर्ड चेयरमैन शिषपाल जी, निर्मल प्रकाश सूरा और सपन समाज के सज्जन विराजे हुए। आज अलवर में निर्मल प्रकाश शूरा के सेवानिवृत्ति के अवसर पर समाज और अन्य सेवा करने वाले मित्रों का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। इसमें और समाज के लोग भी काफ़ी मोटी बड़ी संख्या में एकत्र हुए। और समाज के अध्यक्ष आदरणीय जस्सू भाई भी विशेष अहमदाबाद से आए, तो मुझे भी आने का आमंत्रण आदरणीय निर्मल प्रकाश शूरा ने दिया। मेरी एक जन्मभूमि है रामगढ़ अलवर, और अभी मेरे पास गुजरात में योग बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। मेरा हमेशा यही भाव रहता है कि योग के द्वारा व्यक्ति का विकास, समाज का विकास और राष्ट्र का विकास हो। मेरा यहाँ विशेष आने का मकसद ये है कि निर्मल प्रकाश शूरा जी योग को भी विशेष रूप में समाज के अंदर ले जाएं, पूरा अलवर जिला और रामगढ़ विधानसभा में सभी लोग योग से जुड़े, जिससे हमारे सारे भाई बहन योग से, धर्म से, अध्यात्म से, भक्ति से जुड़े। इनका भाव है कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं समाज की सेवा करूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो व्यक्ति रिटायर होने के बाद टायर्ड हो जाता है, मगर इन्हें एक बड़ा काम करने का जुम्बिश उठाया। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामना है आदरणीय निर्मल शूरा जी को कि समाज सेवा ही राष्ट्र की सेवा है, और जो व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है, मैं मानता हूँ उसके जीवन का सबसे बड़ा काम है। इतिहास में उसी व्यक्ति का नाम दर्ज होता है जो दूसरे के लिए जीता है, जो समाज के लिए जीता है, जो राष्ट्र के लिए जीता है। इतिहास में उस एक भी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं है जो स्वयं के लिए जीता है। तो आदरणीय निर्मल शूरा के अंदर एक जज्बा है, जोश है, जुनून है कि मुझे समाज के लिए, मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है। इसी अवसर पर सब लोग एकत्रित हुए थे। मैं पुनः निर्मल प्रकाश शूरा जी को शुभकामना देती हूँ। मेरी बात को विराम। और निर्मल शूरा जी ने जो अभी यह किया है, तो समाज की सेवा के लिए किया हुआ है, और समाज की खूब सेवा करने का हमने उन्होंने मन बना लिया। समाज की खूब सेवा करेंगे ये मुझे बहुत विश्वास है, और हम साथ मिलकर पूरे राजस्थान में हमारे और समाज के विकास के लिए, हमारे और समाज की शिक्षा, रोजगार और एकोमोडेशन के लिए सरकारी प्राइवेट हम जो भी मदद लेंगे और समाज की हेल्प। मैं यहाँ पे निर्मल शूरा जी का सपोर्ट लेके यहाँ पे जो भी हम और समाज के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए जो भी हमने एक आयोजन किया है, तो हम पूरी इंडिया में ऐप बनाएंगे। समाज के राजस्थान सरकार से जो भी सहायता मिलती है, जो भी लाभ मिलते हैं, वो हम हमारे समाज के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारे समाज के जो भी हमारा दूसरा समाज है,
उनके एकोमोडेशन के लिए, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए और भविष्य में और आगे पढ़े उसके लिए कहाँ से सहायता ला लिए, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो हम कैसे एकत्र करके यहाँ पे सहायता पहुँची पहुँची अपना परिचय बोले। मैं जशो भाई ओडू अहमदाबाद गुजरात से और ओड समाज का राष्ट्रीय महाध्यक्ष हूँ और हम और निर्मल सूरज साहब मिलकर पूरे राजस्थान में और पूरे इंडिया में खूब सेवा करेंगे और समाज के विकास के लिए खूब रहेंगे।